हे गाइस, वेलकम टू द रिव्यू। और देख रहे हैं कि आज हमारी जो एक एक्टिवा है 125 cc, इस पर ऐसे डेंट है। मैं इसको रिमूव करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक्सेसरीज में भी जंग लग रही है, पेंट निकल रहा है, और इसको हम पेंट करके फिर वापस रीइंस्टॉल करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो डेंट है इसको भी हम सही करेंगे, कलर निकले बिना, और यहीं पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये वाले नट ओपन करना होगा। इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा मटकाट बाहर आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो इस नटों को आप ओपन कर लीजिए, काफ़ी टाइट ओपन होंगे। ठीक है, इस तरीके का आपको स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर लेना होगा इसको ओपन करने के लिए। फिर 4 नोस का एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा, वो ये सारी एसेसरीज को ओपन करेगा। ठीक है, तो ये एसेसरीज पेंट करेंगे, ये निकलेगा तब ये निकलेगा, फिर हम इसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए, यहाँ से एक ये वाला एक और एक ये वाला, इससे आगे का मास्क निकल आएगा और फिर हमें इजी हो जाएगा कैरी आउट करने के लिए। पूरा ओपन आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इस नट को ओपन करने वाले हैं। देखा होगा ये वाला जो नट है, थोड़ा डीप क्लोजर आप ले जाएंगे तो ये वाला नट को ओपन करने वाला है, और इसलिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सेसरीज हमने यहाँ से इन 3 नट को निकालने के बाद पुल आउट कर लिया। अब हम ये वाला जो साइड का नट है इसको खोल देंगे, जिससे कि ये वाली क्लैडिंग पूरी फ्री हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें ये 2 नट यहाँ के हैं, तो इन 2 नटों को भी खोल देते हैं। फिर बस ये 2 नट रह जाएंगे हमें फाइनली। ये सारे नट खोल के यहाँ वाला ये सारा ये पैनल हमने निकाल दिया है, साइड पैनल दोनों इंडिकेटर निकाल दिए, ये मटकार निकल गया। अभी हम इसका डेंट दिखाते हैं आपको कि डेंट कैसे निकालेंगे। एक टॉवल के नीचे उसको रख के उल्टा और पीछे से हम उसको बम्प आउट करेंगे तो ये डेंट पूरा निकल जाएगा। और ये पूरा उसको अच्छे से वॉश करके, अंदर काफ़ी गंदगी है, पूरी साफ करके इसको भी पूरी गाड़ी को धोएंगे, पूरा साफ करेंगे, क्लीन इट करेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद हम इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ बहुत अच्छे से रीइंस्टॉल हो जाएंगी। इसको भी हम निकाल लेते हैं दोनों नट को, तो पीछे का भी हुड निकल आएगा। पेंट के लिए करना क्या होगा, आपको एक ऐसे टॉवल लेके इस पर टॉवल पे यहाँ पे जो डेंट वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को नीचे टर्न आउट करेंगे, और यहाँ से आप चेक करेंगे कि बम्प आउट कहाँ पर है। जहाँ पर बम्प आउट है वहीं पर आप उसको बाहर की तरफ को हम स्टोर कर देंगे पेंट को, तो ये आगे बढ़कर नहीं निकलेगा।
हम इस पर एक लाइनिंग लगा देंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा डिजाइन मिल्क आउट कर देंगे जिससे ये सही लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए। तो गाइस फाइनली क्लीन अप हो चुकी है, पूरी गाड़ी वॉश कर ली है, देख सकते हैं ईच एंड एवरी पार्ट चमक रहा है बिल्कुल, हर तरीके से पूरी गंदगी निकल चुकी है। यहाँ पे हमने मैट वगैरह पूरा पीछे के एक्सेसरीज वगैरह निकाल दिए। ठीक है, ये पार्ट्स पड़े हुए हैं, अब हमें इनको वापस रीइंस्टॉल करना है। कुछ नहीं करना है, साइड की जो फेंडरिंग है, साइड का जो फेंडर है उसमें यहाँ पर मेन जो दो नट है वो एक ये नट और एक ये नट है, बाकी और कुछ भी नहीं है पूरा। ठीक है, बाकी की तो जो एक्सेसरीज में नट लगेंगे वही नट लगने हैं। ठीक है, आप इसको पूरा क्लीन आउट कर लीजिए। ठीक है, और आई थिंक एक साइड का फेंडर लगा दिया है, दूसरी साइड का वो इंस्टॉल करने वाले हैं। बस ये पीछे की ब्लैक क्लैडिंग थी, ये मडगार्ड वाली वो लगा दी है, अभी बस ये इंस्टॉल करके फाइनली देखिए पूरा पैकअप हो चुका है। ठीक है, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सेसरीज को मैंने पेंट करके रख दिया। ठीक है, अब एक्सेसरीज को हम पेंट हो जाएगा उसके बाद हम री इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, और री इंस्टॉल हो जाएगा तो बिल्कुल आई होप देखिए बिल्कुल एकदम शाइनिंग मारते हुए पॉलिश कर दिया। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड एकदम शाइन मार रहा है, पूरी गाड़ी एकदम शाइन मारते हुए पॉलिश करने के बाद ब्रांड न्यू हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक बटन बनता बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए ख्याल रखिए।